गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज का रूब्रिक है एंग्जाइटी हेल्थ अबाउट रिलेटिव्स ऑफ। रूब्रिक की एक्सप्लेनेशन से पहले मैं फिर से एक अनाउंसमेंट करने जा रही हूँ कि कल से मैंने क्वेश्चंस का एक कॉन्टेस्ट स्टार्ट किया है, जिसमें वीडियो के एंड में क्वेश्चन पूछा जाएगा और आप उसका आंसर दोगे। जिन लोगों का, जिन डॉक्टर्स का मैक्सिमम जिनके रिप्लाईज होंगे या जिनके करेक्ट सारे रिप्लाई होंगे, उनको प्राइज दिया जाएगा। सो ये लर्निंग का एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, जिसमें हम रोज़ एक रूब्रिक को लर्न करते हैं, उसके साथ बाकी रूब्रिक्स का डीडी करते हैं। आप इन सब रूब्रिक्स को अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं, उनको बार बार पढ़ सकते हो ताकि उनको लर्न किया जा सके। सो ये मैंने कॉन्टेस्ट कल स्टार्ट किया है, आप कल वाली वीडियो देखकर भी उसका रिप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे डॉक्टर्स ने रिप्लाई दिया है। सो अब बात करते हैं आज के रूब्रिक की एक्सप्लेनेशन की। आज का रूब्रिक है एंग्जाइटी हेल्थ अबाउट रिलेटिव्स ऑफ। एंग्जाइटी होता है एक काइंड की वरी, चिंता, फिकर, बिना वजह की, अबाउट फ्यूचर, समथिंग अनसर्टेन अबाउट फ्यूचर, क्या होगा, कैसे होगा, स्ट्रेस लेना किसी बात का। सो यहाँ पे किस चीज़ का स्ट्रेस ले रहे हैं, किस चीज़ की वरी हो रही है? हेल्थ की, सेहत की। किसकी सेहत? अबाउट रिलेटिव्स। रिलेटिव्स वो लोग होते हैं जो आपके साथ, आपके रिश्तेदार होते हैं जो आपके साथ ब्लड या बर्थ से या मैरिज से जुड़े होते हैं। आपके रिश्तेदार, आपके सगे संबंधी, इन लोगों को अपने रिलेटिव्स की बहुत चिंता होती है। इस रूब्रिक में हमारे पास 10 मेडिसिंस हैं। आर्सेनिक, ब्राइटाकार्ब, कार्बोवेज, कॉस्टिकम, कॉकुलस, हिपर, मर्क, नेट्रम कार्ब, फॉस्फोरस एंड पल्सटिला। और इनमें हिपर सल्फ, कॉकुलस, मर्क सॉल, कॉस्टिकम, कार्सिनोसिन, फॉस्फोरस, ये ऐसी मेडिसिंस हैं जो हमने बहुत बार इस्तेमाल की हैं और इनके बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। अगर हम इसका थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इसे थोड़ा नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं, तो उसमें है एंग्जाइटी हेल्थ अबाउट लव्ड वंस ऑफ। पहले तो रिश्तेदार थे, जो बहुत सारे रिश्तेदार हैं आपके साथ जुड़े होते हैं, आपके सगे संबंधी होते हैं, लेकिन यहाँ पर आ गया एंग्जाइटी अबाउट हेल्थ ऑफ लव्ड वंस, जिनको वो प्यार करता है। पेशेंट के लव्ड वंस उसके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, उसके बच्चे भी हो सकते हैं, उसको जो प्यार करते हैं वो लोग वो भी हो सकते हैं, उसके भाई बहन हो सकते हैं, उसके फ्रेंड्स हो सकते हैं, जिनको भी वो प्यार करता है, उनकी सेहत की बहुत ज़्यादा चिंता रहती है। तो यहाँ पे हमारे पास 3 मेडिसिंस हैं, कार्सिनोसिन, हिपर सल्फ एंड मर्कसॉल। हिपर सल्फ एंड मर्कसॉल एंग्जाइटी अबाउट हेल्थ ऑफ रिलेटिव्स में भी है। अगर हम थोड़ा सा और आगे जाते हैं तो यहाँ पे एक हमारे पास और रूब्रिक है, एंग्जाइटी हेल्थ अबाउट रिलेटिव्स ऑफ लिटल कंसर्न्ड अबाउट हिज ओन। ये वो पेशेंट है जिसको दूसरों की चिंता है, अपने रिश्तेदारों की चिंता है, अपने सगे संबंधियों, भाई बहनों की चिंता है, लेकिन खुद के लिए बहुत कम ध्यान देता है। लिटल कंसर्न्ड, खुद के लिए बहुत कम ध्यान देना, खुद की सेहत को खराब कर लेना, खुद की सेहत को के ऊपर कॉम्प्रोमाइज कर लेना, लेकिन दूसरे की सेहत का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना। ये एक ही मेडिसिन है, वो है कॉकुलस। कॉकुलस को हमने सैकड़ों बार इस रूब्रिक में इस्तेमाल किया है। कॉकुलस में दूसरों की सेवा करने का जज्बा बहुत होता है, इसको बेस्ट नर्स माना गया है, कि जो रात रात भर जाग कर दूसरों की सेवा करते हैं लेकिन अपनी सेहत की
बिल्कुल भी फिक्र नहीं करते और सेवा करते करते खुद बीमार हो जाते हैं। सो ये आज के रूब्रिक की एक्सप्लेनेशन है। आज के वीडियो का क्वेश्चन है, कॉकुलस का किंग पिन बताइए। बहुत बार मैंने वीडियोस में जिक्र किया है कॉकुलस के किंग पिन की, तो आज का क्वेश्चन भी यही है कि कॉकुलस का जो मेन सेंटर है, जो किंग पिन है, वो लिख के भेजिए। एंड दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रूब्रिक। थैंक यू।